इस सवाल में आपको दिया गया है एक सर्किट और आपसे इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट पूछा गया है। इसका सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं एक 100 वोल्ट की बैटरी से। जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 वोल्ट और स्टेडी स्टेट पे सारे कैपेसिटर्स पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे। अगर मैं ए का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं तो बी का पोटेंशियल हो जाएगा 100। अब शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि ये तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि 2/4 2/4 4/2 है, पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्योंकि इधर 2/4 है इधर 4/2 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन हम इसको एक ये नहीं कह सकते हम इसमें कि इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम है, पर हम फिर भी ड्यू टू एंटी सिमेट्री इधर 2 इधर 4 इधर 4 इधर 2 हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां का पोटेंशियल x हुआ तो यहां का पोटेंशियल 100-x होगा, क्योंकि 0 से जितने डिस्टेंस पर ये x है 100 से उतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, इसलिए यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 100-x। अब अगर मैं इस x के लिए इस नोड की इक्वेशन लिख दूं तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इस प्लेट पे चार्ज प्लस इस प्लेट पे चार्ज प्लस इस प्लेट पे चार्ज इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 0 प्लस इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, कैपेसिटेंस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 100-x, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस 4 इंटू एक्स माइनस 100-x यानी 100+x प्लस इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, 4 कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 100। और क्योंकि इस नोड पे इनिशियली चार्ज 0 था, इस नोड पर इनिशियली चार्ज 0 था इसलिए फाइनल चार्ज भी 0 ही रहने वाला है, सो दिस टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 8x माइनस 400 प्लस 4x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 + 8 = 10 + 4 = 14x इज इक्वल टू 800, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 400/7 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल कितना आ गया, 400/7 वोल्ट। देयरफॉर 100-x कितना हो गया, 100-x हो गया 300/7 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल आ गया आपका 400/7 और यहां का पोटेंशियल आ गया 300/7 वोल्ट। अब हमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, इस सर्किट में हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है। हम ये निकालना चाहते हैं कि सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लिया 100 वोल्ट, बैटरी तो मान ली 100 वोल्ट की। अगर मैं चार्ज भी निकाल लूं तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू V यूज करके हम आराम से अपना सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो मैं ये निकालना चाहूंगा कि इस बैटरी में से कितना चार्ज पास हुआ है। तो इस बैटरी में से जो भी चार्ज पास होगा थोड़ा इस प्लेट पे जाएगा और थोड़ा इस प्लेट पे जाएगा। सो मुझे इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकालना है, उनका सम निकालना है। इसको अगर मैं बोल दूं Q1, इसको बोल दूं Q2, तो Q इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Q1 + Q2। अब Q1 कितना है, 4 तो इसका कैपेसिटेंस है, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100-x, 4 × 100-x। और Q2 कितना है, इसका कैपेसिटेंस 2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100-x, दिस इज इक्वल टू 2x। सो Q1 की वैल्यू आ गई 4 × 100-x, 100-x हमें पता है 300/7 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1200/7 वोल्ट। और Q2 कितना आ गया, 2x, x हमें पता है ये 400, तो ये कितना हो गया 800/7, नॉट वोल्ट बट
माइक्रो कूलम, इधर माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज Q इक्विवेलेंट है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2000/7 माइक्रो कूलम। और हमें यह पता है कि Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इंप्लाइज 2000/7 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट, क्योंकि बैटरी हमने 100 वोल्ट की लगाई है। तो 100 से ये 100 चला गया। दिस इंप्लाइज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20/7 माइक्रो फैराड। तो आपके सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 20/7 माइक्रो फैराड। आंसर।